हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट अ रिवीलिंग वीडियो जिसमें मेरे जो नीट के मार्क्स हैं मैं वो आपको बताऊंगी। डेफिनेटली मोस्ट ऑफ यू देम नो कि 565 एंड इन नीट 2023, एंड उससे भी ज़्यादा रिवीलिंग ये कि मेरे जो मार्क्स मॉक टेस्ट में आते थे वो कितने आते थे। मैंने आकाश के जो टेस्ट सीरीज ली थी उसके जितने भी मार्क्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, एनालिसिस है, मैंने कैसा परफॉर्म किया था, टॉपर्स के क्या मार्क्स आते थे, वो सब मैंने वीडियो में इंक्लूड किए हैं। मैंने लाइव मेरा आकाश का जो DLP प्रोग्राम है उसका जो रिजल्ट का एनालिसिस था मैंने आपको दिखाया है। सो इन केस यू आर प्लानिंग टू टेक अ टेस्ट सीरीज, आप जो भी टेस्ट सीरीज लें उसका एनालिसिस आप अच्छे से करके दें, और इवन आप अच्छे से करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इज़ अबाउट द सिलेबस, कि आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करें जो आपकी क्लास में हो रहा है, टेस्ट में हो रहा है, एंड फाइनली यू नो टेस्ट में जो वो सिलेबस आता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें ये पढ़ें, वो पढ़ें, बैकलॉग पढ़ें, क्या पढ़ें। सो लेट्स जस्ट ब्रेक। हेलो एवरीवन, तो ये है मेरे मार्क्स का स्क्रीनशॉट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहली चीज़ जो नोटिस करने वाली बात है कि टॉपर के जो स्कोर है वो 180 है फिजिक्स में, और उसी जगह पे जो मेरे स्कोर है फिजिक्स में वो 33 है। मतलब 33 एक एवरेज स्कोर है जो हर एक बच्चा ला रहा है, और मेरे मार्क्स जो थे वो 84 थे फिजिक्स में। दैट इज़ प्रिटी गुड, मतलब इतने बुरे मार्क्स नहीं आए। फिर केमिस्ट्री में जो मेरे मार्क्स आते थे 141, एंड मेरे मेन नीट के एग्ज़ाम में जो मार्क्स हैं केमिस्ट्री के वो 142 हैं। मैं इसको भी इतने बुरे मार्क्स नहीं कहती, बिकॉज़ केमिस्ट्री जो थी लास्ट ईयर की 2023 की वो थोड़ी सी लेंदी थी, एंड हैंस 142 इज़ अ प्रिटी गुड स्कोर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बॉटनी की, तो मेरी बॉटनी यहाँ पे 165 है, और मेन नीट के एग्ज़ाम में आई गेस इतनी ही कुछ है। और जूलॉजी की बात करूँ तो ये वाला पार्ट मेरा हमेशा वीक जाता था। अगर आप मेरे पुराने टेस्ट में भी देखेंगे तो ये वीक जाता था, बट मेन नीट के एग्ज़ाम में आई सिक्योर्ड 171 आउट ऑफ 180 इन जूलॉजी। सो ये मेरे कुछ मार्क्स थे जो कि जस्ट नीट से यू कैन से 10 डेज़ पहले जो पेपर हुआ था उसके हैं ये मार्क्स। पर्टिकुलरली ये वाला जो एनालिसिस होता है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, बट काफ़ी ज़्यादा यू नो हेल्पफुल रहता है। जैसे अभी आपके पास टाइम है, इट्स मे गोइंग ऑन, एंड आज क्या है, आज 11th of May है, एंड नीट ऑलमोस्ट एक ईयर है। सो मेरा ये मानना है कि अगर आप अभी से अपने टेस्ट में इम्प्रूवमेंट्स की अगर कोशिश करते हैं तो आप मेन नीट एग्ज़ाम तक काफ़ी कुछ अच्छा कर लेंगे। ये जो एनालिसिस है ये ऐसा रहता है कि आपका, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने शुरू किए 4 क्वेश्चंस छोड़ दिए, इसमें से 2 इजी थे एंड 2 मीडियम थे। मैं चाहती थी अगर अटेम्प्ट कर सकती थी बट मैंने नहीं किए, तो ये मेरा बैकड्रॉप है, मुझे करने चाहिए थे। मैं फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चंस पर अटेम्प्ट करी, 5th इजी था एंड ये मेरा सही गया, एंड 6th क्वेश्चन जो है ये भी ईजी है लेकिन ये मैंने गलत किया है। तो क्यों गलत किया है ये जो जानना है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इजी क्वेश्चंस एटलीस्ट मेन नीट के पेपर में भी यही आते हैं, इजी है, कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक थी या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं ये हमें करेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप ये गलत कर रहे हैं मतलब आप सिलेक्शन से थोड़ा सा पीछे जा रहे हैं। शायद इसलिए मेरे इस टेस्ट में कुछ 542 है, मुझे नहीं, मैं भूल गई कितने इस टेस्ट में, तो 542 अराउंड जो भी है, तो इसलिए शायद यही वजह है कि मैं इसको 582 तक नहीं पहुँचा पाई सिलेक्शन के करीब। तो जैसे जो भी इजी वाले हैं, डिफ़िकल्ट वाला जैसे ये है, मैंने इसको गलत किया, इट्स ओके। अगर आप डिफ़िकल्ट वाला गलत कर रहे हो तो दैट्स ओके, बट अगर आप जैसे ये इजी क्वेश्चन है, ब्लू कलर से लीजिए, जैसे ये इजी वाला क्वेश्चन है एंड आपने इसको गलत किया है, आई थिंक सो ये वर्थ इट नहीं है। आप ये जो एनालिसिस है ये अभी से आप ज़रूर चेक करना शुरू करें। ये एनालिसिस देखने के बाद कईयों को लग सकता है कि भाई दीदी के तो अच्छे ही मार्क्स आते थे, बट भाई मुझे लगता है अच्छे और बुरे का क्या मतलब रह जाता है। अगर किसी स्टेट की कट ऑफ, फॉर एग्जांपल एमपी स्टेट की लास्ट ईयर इन 2023 563 गई थी, कोई 562 पे जनरल कैटेगरी का है जो मेधावी योजना से कॉलेज नहीं ले पा रहा है प्राइवेट MBBS, 562 लाने का क्या मतलब निकला। द वन हु इज़ गेटिंग 162 एंड द वन हु इज़ गेटिंग 562, भाई ड्रॉप तो दोनों ले रहे हैं ना, क्या ज़रूरी है। हो सकता है वो उठ के यहाँ आ जाए और 562 वाले की लास्ट में तबीयत ख़राब हो जाए, प्रॉब्ली ही और शी मे नॉट बी एबल टू क्लियर द नीट। सो वॉट आई मीन टू से इज, मार्क्स कैसे भी आए भाई, अगर आप वो जो पर्टिकुलर लेवल है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहे हो सो अलग ही बुरा लगता है। लाइक आई कैन अंडरस्टैंड द पेन जब मेरे 483 आए थे, एंड प्राइवेट कॉलेज भी
मिल रहा था बट फीस बहुत ज़्यादा थी एंड हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। ड्रॉप लेना जब एक ऑप्शन बना तो ड्रॉप ली और फिर तैयारी करी। 6 महीने नीट के गैप के बाद मैंने तैयारी करी एंड 4 महीने में नीट क्लियर किया। मैं जानती हूँ और कोई नहीं जानता इस बात को कि कैसे किया है। अगर मैं सच बात बताऊँ मेरे घर की, तो मेरे पापा जो है एक मॉर्निंग पर्सन है, पापा मुझसे पहले उठ जाते थे एंड मम्मी जो है वो नाइट में जग लेती हैं एंड मुझसे ज़्यादा देर तक जगती थी एंड मैं उनसे पहले सो जाती थी। सो आई यूज टू गेट द स्कोल्डिंग्स लाइक तुम आधे से ज़्यादा टाइम सोती रहे, तो वैसे मैं कैसे नीट क्लियर होगा। मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि यार नीट क्लियर करना है तो कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। आई एग्री बट यू नो सबकी एक अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। मुझसे नहीं होता था सुबह बहुत जल्दी उठना और रात में बहुत ज़्यादा जगना। एक नॉर्मल टाइम था, नॉर्मल शेड्यूल जो दिन का होता है मैं वो फॉलो करती थी। जितनी देर पढ़ती थी मैं उतनी देर अच्छे से पढ़ती थी। लास्ट टाइम था तो मेरे बहुत अंदर से एफर्ट्स थे कि भाई इस बार तो करना ही है। सो आई थिंक दैट यूज़ टू पुश मी यार अब नहीं तो फिर कब। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टेस्ट। मेरी जो पुरानी वीडियो है पार्ट 1, उसका ही ये सब है पार्ट 2। उसमें मैं ये बताना भूल गई थी, मतलब आई टोल्ड कि मैं सेकेंड पार्ट में बताऊंगी कि आप अपने सिलेबस को कैसे कंपनसेट करें, कैसे मैनेज करें, तो वो मैं आपको बताती हूँ। बट मैंने थोड़े से मेरे मार्क्स वगैरह भी बता दिए आकाश के। अगर आप ले रहे हैं टेस्ट सीरीज आकाश की, नो प्रॉब्लम, आप लें एंड गो फॉर इट। जो भी अगर आपको डिटेल्स जाननी है आकाश की, प्राइस की, डिफ़िकल्टी लेवल अगर आपको जानना हो और नंबर ऑफ टेस्ट और जो भी कुछ है, वो मेरी पार्ट 1 की वीडियो में सब कुछ अच्छे से बताया है, आप उसको देखें। मैं यहाँ पे डिस्कस करती हूँ कि आप सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है, टेस्ट का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। आपने अभी नीट 2024 दिया होगा एंड यू वुड हैव थिंक कि यार यार अगर मैं 3-4 दिन का टाइम और मिलता तो मेरे 2 या 3 नंबर और आते होते तो आज मैं सेफ जोन में होता, 5 नंबर और आते होते तो मैं शायद आज एक कॉलेज ले पा रहा होता या पा रही होती। होता है भाई, टेस्ट का सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं हो पाता है। मेरा मानना है अगर आप ये वीडियो को अभी देख रहे हैं, आप जल्दी जल्दी टेस्ट सीरीज ले, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, आप उस मोमेंट पे टेस्ट सीरीज लें। डरने की कोई बात नहीं है भाई, डर भगाना है, जीतना है, नीट 2025 क्लियर करना है तो टेस्ट सीरीज लेनी पड़ेगी, आप जो भी लें। रही बात सिलेबस की, तो पहले जो आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं पहले आपको उसका सिलेबस कंप्लीट करना है। जो उस दिन पढ़ाया आपको वो कंप्लीट करना है। मैं कहती हूँ आज से, मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने कहा होगा, एलन में जो है उनसे तो रोज ये सुनने को मिलता होगा टीचर से, प्रोफेसर से, बट हम फिर भी कई बार नहीं करते हैं। आज फिर से मैं कहती हूँ कि अगर आपको नीट क्लियर करना है पहले तो आपको डेली का सिलेबस डेली पढ़ना पड़ेगा। सेकेंडरी इज योर टेस्ट का सिलेबस एंड थर्डली इज योर बैकलॉग। तो दो टेस्ट के बीच में जो हमें टाइम लैप्स मिलता है आपको उसमें बैकलॉग करना है। जब आपका पढ़ने में कुछ मन नहीं लग रहा हो, कुछ नया पढ़ना हो, तो आपको बैकलॉग करना है। बैकलॉग ऐसे ही करना है, मैंने 6 महीने का बैकलॉग अकेले कवर किया था विदाउट एनी हेल्प ऑफ द टीचर। मैं जानती हूँ भाई मैं। पहले प्रायोरिटी इज योर क्लास का सिलेबस। भाई टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे ना, इससे क्या होगा, लेकिन इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, आपकी जो समझ है, आपका जो रिटेंशन है उस टॉपिक को लेकर, वो इंक्रीज होगा अगर आप क्लास के साथ साथ वो चीज़ करोगे। फिर आप है टेस्ट के लिए, टेस्ट में ऑब्वियसली बात है अगर आप क्लास के साथ साथ पढ़ते हो 100% सिलेबस बहुत कम बच्चों का कंप्लीट हुआ रहेगा। मेरा ये कहना है अगर आप बायो में से चार बायो के 4 चैप्टर्स करके जा रहे हो, 3 चार में से 3 चैप्टर्स कर जा रहे हो, तो फिर 3 में से 80% चीज़ें आपको बननी चाहिए। और जो बचा हुआ एक चैप्टर है उसमें भी मुझे लगता है 20 से 30% चीज़ें आपको आनी चाहिए। बिकॉज अगर आप ड्रॉपर हो तो मुझे नहीं लगता वो चैप्टर आपके लिए कम्प्लीटली न्यू है इन बायोलॉजी। फिजिक्स में तो चलो ठीक है भाई, आप 4 में से मान लो 2 चैप्टर पढ़ के जा रहे हो, उसमें भी आप 50-50 स्कोर कर रहे हो, 60 स्कोर कर रहे हो, इट्स ओके, आप इंक्रीज करोगे धीरे धीरे। दैट्स इट कि आपको पहले रोज का पढ़ना है, फिर टेस्ट का पढ़ना है, बचे हुए टाइम में बैकलॉग करना है जो 2 टेस्ट के बीच में गैप रहेगा। बैकलॉग में भी ऐसा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी बायो की जो आप वीडियोस देखते हो ना PW पे या कहीं पे भी यूट्यूब चैनल पे, अनअकैडमी वगैरह की, वो आप थोड़ा सा रिड्यूस करो। बिकॉज अगर आप समझ के करते हो तो आपको ऐसा लगता है बायो का वो चैप्टर हो गया है, बट इन रियलिटी वो चैप्टर नहीं हुआ होता है बिकॉज यू हैव नॉट रेड द चैप्टर फ्रॉम द NCERT। आपने वो चीज़ सिर्फ समझी है, सिर्फ समझी है, सिर्फ समझी है, वो चीज़ काम आएगी इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, बट दैट थिंग विल नॉट वर्क अगर आपके पास टाइम कम है एंड टेस्ट जस्ट पास में है। अगर टेस्ट पास में है भाई आप बाद में समझना पहले वो चीज़, पहले आप एक बार NCERT से रीड करो, उसके बाद समझो, फिर NCERT रीड करो। फैक्ट बता रही हूँ, आई एम नॉट लाइंग कि
भाई समझना नहीं है, भाई समझना है, लेकिन एनसीईआरटी से रीड करना इज इक्वली 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 मोर देन, थोड़ा सा 1% ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो यस, सिलेबस कंप्लीट धीरे धीरे होगा। सिलेबस कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट तरीका है टेस्ट सीरीज लेने का। आई एम फोर्सिंग यू टू बाय द टेस्ट सीरीज, यस आई एम फोर्सिंग यू टू बाय द टेस्ट सीरीज। सो दैट्स इट आई गेस इन द वीडियो, बिकॉज सिलेबस जो है वो आखिरी तक कंप्लीट नहीं होता है। टेस्ट सीरीज विल हेल्प यू टू कंप्लीट द सिलेबस। आप बहुत सारी भीड़ से आगे रहोगे अगर टेस्ट सीरीज जल्दी ले लोगे। एंड एनालिसिस जो है आकाश का, वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के पहले में दिखा चुका है। फॉर फर्दर क्वेरीज अगर टेस्ट सीरीज हो तो आप मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो देख लो, उसमें बहुत सारे डाउट्स क्लियर करें। दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द सिलेबस। सो यस दैट्स इट, ओके बाय।